हेलो एवरीवन, मैं हूं राज चौहान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप अपने स्नैपचैट का पासवर्ड भूल गए हैं तो कैसे आप अपना पासवर्ड पता कर सकते हैं। अगर आपका जो स्नैपचैट है उसका जो डेटा है उसे आपने गलती से क्लियर कर दिया है और आपका जो स्नैपचैट है वो लॉग आउट हो गया है लेकिन आपका जो पासवर्ड है वो आपको याद नहीं है तो कैसे आप अपने पासवर्ड को आप पता कर सकते हैं कि आपका जो स्नैपचैट है उसका पासवर्ड क्या है। तो आपको सिर्फ ये जो वीडियो है लास्ट तक देखना है तो आपका जो स्नैपचैट का पासवर्ड है उसे आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका जो स्नैपचैट है उससे आपका एक ईमेल एड्रेस जो है लॉगिन रहता है यानी कि उससे ऐड रहता है तो उसी से आप अपना पासवर्ड पता कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने मोबाइल फोन की जो सेटिंग है सेटिंग को ओपन करना है, वहां पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहां पर आपको एक गूगल का एक ऑप्शन मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं तो यहां पर ऑटो फिल एक आपको ऑप्शन मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको दो या तीन और ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो यहीं पर आपको ऑटो फिल विद गूगल आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं तो यहीं पर आपको गूगल पासवर्ड मैनेजर एक ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका जो ईमेल एड्रेस है जो कि आपका स्नैपचैट से लिंक है वो आपको सिलेक्ट करना है या अगर वो सिलेक्ट ही है तो आपको यहाँ पर जो है स्नैपचैट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा उस पर आपको क्लिक करना है। अपना जो फिंगरप्रिंट है उसे आपको स्कैन कर लेना है तो यहाँ पर आपको यूजर नेम और जो पासवर्ड है आपके स्नैपचैट का वो दोनों देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड को आप कॉपी भी कर सकते हैं या फिर आप जो है यहाँ से सीन कर सकते हैं, उसे आप यहाँ से जो आसानी से आप जो है कॉपी पेस्ट करके आप आसानी से लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 2 मिनट के अंदर आपका जो पासवर्ड है उसे आप पता कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको मैं एक दूसरा तरीका बता देता हूँ आपको करना क्या है, सबसे पहले गूगल क्रोम को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जो सबसे टॉप पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आना है सेटिंग पे। सेटिंग पे आने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड मैनेजर का एक ऑप्शन मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको स्नैपचैट देखने को मिल जाएगा उस पर आपको क्लिक करना है। अपना जो थंब प्रिंट है उसे आपको स्कैन करना है और यहाँ से आप पासवर्ड और आपका जो यहाँ पर जो है यूजर नेम है उसे आप कॉपी कर सकते हैं और अपना जो स्नैपचैट है उसे आप आसानी से लॉग इन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप अपने स्नैपचैट का जो पासवर्ड है उसे अगर आप भूल गए हैं और अपना जो स्नैपचैट है वो गलती से अगर उसका जो डेटा है उसे अगर आपने क्लियर कर दिया है जिसकी वजह से कि आपका जो स्नैपचैट है वो लॉग आउट हो गया है तो आसानी से आप पासवर्ड को पता कर सकते हैं और उसे आप जो है लॉग इन कर सकते हैं विदाउट फॉरवर्ड पासवर्ड के। इस तरीके से कभी भी अगर आपका जो स्नैपचैट है उसका जो डेटा है उसे अगर आप क्लियर कर देते हैं तो आपका जो स्नैपचैट है वो लॉग आउट हो जाता है लेकिन आपका जो पासवर्ड है वो आपको पता नहीं है तो इस तरीके से आप उसे जो है देख सकते हैं कि आपका जो स्नैपचैट है उसका पासवर्ड क्या है और आसानी से अपना जो स्नैपचैट है उसे आप लॉग इन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।